आपका अपना परिवार मस्त क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं साइंस का मॉडल पेपर सॉल्यूशन कर रहा हूँ, जिसमें आपको भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान से आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा, जिससे आगामी एग्जाम में बहुत आपको सहायता मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, बड़ा मज़ा आएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन भौतिकी के किस टाइप की परीक्षा में आते हैं। पहला है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है लोहे का, तांबा का, टंगस्टन का, एल्युमिनियम का। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। पहले का सी ऑप्शन सही है। आगे है अवतल लेंस का आवर्धन जो एम होता है वो सूत्र है, यानी आवर्धन का सूत्र बताना है। पहला ऑप्शन यू बाई वी कि यू वी, यू प्लस वी कि वी बाई यू। तो अवतल लेंस में आवर्धन का जो सूत्र होता है वो वी बाई यू होता है। दो का डी सही है। देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, यानी फोकस दूरी हम लोग पढ़े हैं कि एफ बराबर होता है आर बाई टू। इसी को आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बराबर टू एफ, है ना। इसलिए तीन का जो ऑप्शन सही है ये सही है, आर बराबर टू एफ, है ना। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पे? विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कि प्रेरित चुंबकत्व पर। तो विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है, चार का सी। आगे है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो हमें आपको याद होना चाहिए कि अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, वो कब है? जब दर्पण और दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को रखते हैं। इसलिए पाँच का जो है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच वाला ऑप्शन, यानी कि पाँच का डी सही है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है, छः क्वेश्चन कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस का देखिए फिगर इस तरह से होता है, किनारों पे पतला, बीच में मोटा, तो बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, यह ऑप्शन गलत है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी छः का सी सही है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है, तो मानव नेत्र में किस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टि पटल कहलाता है, सात का डी, है ना। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, वोल्ट, कूलाम, वाट, एम्पियर। तो विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। अब देखिए आगे एक नोमेरिकल दिया है ना, किसी विद्युत बल्ब का 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 100 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा विद्युत शक्ति कितनी होगी? आइए इसका सॉल्यूशन कर दें। पी इस क्वेश्चन में वोल्ट दिया है, वी बराबर दिया है 220 भी, और शक्ति दिया है 100 वाट, ठीक है। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं, पी बराबर होता है वी आई। तो P का मान 100 यहाँ पे पुट कर दूंगा और V का मान 220 और I छोड़ देता हूँ, 0 से 0 कट गया, 2 के पहाड़ा से 11 बार में और 2 से 5 बार में, तो I बराबर जो हुआ 5/11 एम्पियर, ठीक है, I का मान आ गया। अब कह रहा है कि 110 वोल्ट, क्वेश्चन में कह रहा है 110 वोल्ट, यानी कि अब V बराबर कितना हो गया 110 वोल्ट। तो पूछ रहा है कि तब इसके दौरोपिक शक्ति होगी, P निकालना है, तो P बराबर होता है वी आई। तो भी का मान देखिए अभी लाए हैं 110 भी, 110 भर दिया और आई, आई का मान है 5/11, तो 11 दहाँ में 110 और 10 बचे 50, और ये शक्ति है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो पी का कितना आ गया 50 वाट। अब ऑप्शन में देखते हैं 50 वाट कहाँ लिखा है, एक जगह 100 लिखा है, 75, फिर सी ऑप्शन में 50 वाट, यानी 9 का सी सही है। आगे है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, इस्पात का कि पीतल का कि नरम लोहे का, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का इस्तेमाल होता है, 10 का सी सही है। आगे है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वी पर दिष्ट धारा होती है, 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा होती है, सी ऑप्शन है 220 वी पर प्रतिवर्ती धारा होती है और 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। तो हमारे घरों में जो होती है 220 वोल्ट पर अल्टरनेटिंग करंट होता है। आगे है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आँख के रेटिना पर बनता है ना, 12 का भी सही है। एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु पूछ रहा है, तो दूर बिंदु इस ऑप्शन में डी अनंत होगा, यही अगर आँख का न्यूनतम दूरी पूछता तो 25 सीएम होता है, ठीक है। तो इस अभी इसमें मैंने आपको अभी फिजिक्स का क्वेश्चन कर दिया, अब आइए शुरू करते हैं रसायन शास्त्री का क्वेश्चन। देखिए N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने संयोजन आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ये जैसे नाइट्रोजन हो गया 5 और एक और नाइट्रोजन N2 है तो 5,
तो इसमें तीन तीन दो गो ये पांच, अष्टक पूरा करने के लिए तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो वही पूछ रहा कितने आबंध होते हैं, तो तीन, 14 का सी सही है। बेंजीन का अणु सूत्र है, तो बेंजीन का जो होता है C6H6, 15 का सी सही है। आगे जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप में कौन सा गैस बनता है, तो जस्ता का सूत्र ZN होता है और तनु का HCl होता है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है H2, कौन सा गैस H2, तो 16 का जो होगा सी सही है, H2 गैस निकलता है। आगे है 17 क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, MgCO3, CsHCO3 का होल्ड वाइज, MgHCO3 का होल्ड वाइज, तो संगमरमर का सूत्र ये सही है ना, CaCO3। आगे है COOH अभिक्रिया उन्मूलक को क्या कहते हैं, तो COOH का नाम एल्डिहाइड है, 18 का भी सही है। आगे है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, हीलियम है कि क्रोमियम है कि यूरेनियम है कि एल्युमिनियम, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम आवश्यक है, 19 का सी। ग्लोबल वार्मिंग जो वातावरण में चेंजिंग हो रहा है के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, O2 है कि NH3 है कि CO2 है कि N2, तो CO2 गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है कि लिटमस बिलियन बैंगनी रंजक का होता है, जो निम्न से किससे निकाला जाता है, तो लिटमस जो पत्र होता है वो लाइकिन नामक पौधे से निकाला जाता है, तो इसका ए सही है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा बनता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। देखिए किसी भी उदासीन बिलियन का पीएच होता है, तो कोई भी अगर उदासीन आ जाए चाहे जल आ जाए तो उसके पीएच मान 7 होता है, 23 का भी सही है ना। आगे क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी खाने वाला सोडा भी इसको कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, यानी 24 का ए सही है। एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, तो HCl देखिए यहाँ एक भाग है, HNO3 का 3 याद रखिएगा, और इस तरह से मिला के हो जाता है 3:1, यानी कि 25 का भी ए सही है। एक बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका पीएच होगा, लाल को नीला करता है ना, तो यानी कि वो क्षारीय होगा, और क्षारीय बिलियन का जो पीएच मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, इस ऑप्शन में 7 से ज़्यादा एक है डी में 10 लिखा, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही है। आइए अब आगे क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि इथाइल अल्कोहल, अब देखिए जीव विज्ञान का क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहा हूँ इसी में, कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन से बनता है, वायवीय अवायवीय दोनों कि इनमें से कोई नहीं, तो अवायवीय, अवायवीय वैसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन के अभाव में होता है। अब आगे है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो अपने से भोजन तैयार करते हैं उसके लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी, तो जो भी तीन ऑप्शन पहले दिया वो सब जरूरी है, यानी कि इनमें सही होगा, है ना। आगे है 29 सवाल कि निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में, उपभोक्ता कंज्यूमर के रूप में, है ना, तो हरे पौधे खुद से अपना भोजन तैयार करते इसलिए उपभोक्ता नहीं है, नीलहरी सवाइल भी उपभोक्ता नहीं है, और फूल और पत्ते भी उपभोक्ता नहीं है, जंगली जानवर पेड़ पौधों पर या जानवरों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, 29 का सी ऑप्शन सही है। कवक में पोषण कौन सी विधि है, तो कवक जो है अपना भोजन जो होता है करने की विधि, उसको मृतजीवी पोषण कहा जाता है, 30 का भी सही है। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन को मानव में डायलिसिस थैली कहा जाता है, 31 का ए सही है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा है, पत्तियों द्वारा होता है कि तने द्वारा होता है कि फूल द्वारा होता है कि बीज द्वारा, तो पुष्पी जो पौधे होते हैं उसमें फूलों द्वारा लैंगिक जनन होता है, 32 का सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, यानी जैविक प्रक्रम मतलब कि प्राकृतिक रूप से वो अपघटित हो सकता है, सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबर, प्लास्टिक की बोतल, तो सूखी घास पत्ते जो है वो प्राकृतिक रूप से यानी जैविक प्रक्रम रूप से अपघटित हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, 33 का ए सही है। आगे है 34 क्वेश्चन कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बेहतरीन स्रोत कौन सा है, कोयला है कि सूरज है कि पानी है कि लकड़ी है, तो सूरज है सबसे बड़ा स्रोत। आगे हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको उत्पादक कहा जाता है, 35 का। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग कहलाते हैं, तो इन दोनों का काम सेम बनावट होती है, इसलिए इनको समझातंग कहा जाता है, 36 का ए सही है। आगे है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना जो है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, 37 का ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी के मतलब जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के लिंग मौजूद हो, तो केचुआ जो है इन चारों ऑप्शनों में से उभयलिंगी है ना, 29 का ए सही है। आगे है निम्न में से कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण, भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर जल पाया जाता है, नदी में, कुआं में, तालाब में, समुद्र में, तो कुआं जो है उसमें भूमिगत जल का उदाहरण है, कुआं में आप लोग देखे होंगे पानी अंदर की ओर होता है, 39 का बी सही है। आगे इस सेट का अंतिम क्वेश्चन, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है,
तो आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी पाई जाती हो जाती है मानव शरीर में, है ना। तो रक्त के आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, यानी 40 का ऑप्शन सी है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको जो एक सेट बताया परीक्षा में आने वाला क्वेश्चंस का, वो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए इस तरह के मज़ेदार वीडियो के लिए। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।